हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में करना क्या है, दो नंबर में बोला है ना कि जो भी नंबर है इसका एचसीएम निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एचसीएम और एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद दोनों को हम लोग को जांच करना है कि दोनों संख्या यानी इन दोनों संख्या को गुणा करने पर जो आएगा वही नंबर एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकालेंगे किस तरह, तो देखिए यहाँ 26 लिखा है, तो 26 का हम लोग को गुणनखंड लिखना है। तो 26 का क्या आएगा, 2 आएगा और 13, ठीक है। उसके बाद 91 है तो 91 का हम लोग को गुणनखंड लिखना है, तो ये होगा 7 × 13, ठीक है। अब आपको लिखना है इसीलिए एचसीएफ, तो पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ इन दोनों नंबर का निकाल रहे हैं, तो लिखना है कि 26 और 91, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा ना वो एचसीएफ कहलाता है। तो कॉमन क्या मिला, 13, तो 13 तो एचसीएफ हो गया। उसके बाद हम लोग को एलसीएम भी पूछा है, तो एलसीएम निकालना भी बिल्कुल आसान है। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इन दोनों में जो कॉमन है यानी जो एचसीएफ आया है वो लिखना है, इसके अलावा जो बचा है उसको लिखना है। यानी 26 और 91 में कॉमन क्या आया है, 13, तो 13 लिखना है जब एलसीएम निकालेंगे तो, और इसके अलावा जो बचा है उसको लिखना है। तो 2 और 7 बचा है, तो हम लोग 2 लिखेंगे और 7, इन तीनों को हम लोग को अब क्या करना है, गुना करना है। तो हम लोग गुना करेंगे तीनों को, तो आएगा क्या, 182। गुना करके क्या आएगा, 182, यानी एचसीएफ निकल गया 13 और एलसीएम कितना निकल गया, 182। अब देखिए हम लोग को ये आंसर हो गया, ये दोनों क्या आ गया, आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में जांच करने बोला है, अगर क्वेश्चन में जांच करने बोलेगा तो जांच करेंगे, नहीं तो हम लोग जांच नहीं करेंगे, हम लोग का आंसर यहाँ हो जाएगा केवल अगर एचसीएफ और एलसीएफ पूछेगा। तो हम लोग इधर जांच कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जांच करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। तो जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको लिखना है, निकालना है, दो संख्याओं का गुणन फल, ठीक है। तो दो संख्या क्या क्या है, दो संख्या है 26 × 91, ठीक है। इन दोनों को हम लोग करेंगे क्या, गुना, तो गुना कर लेते हैं 26 को और 91 को। 6 आएगा, 2 आएगा, 9 × 6 = 54 का 4 अंत में 5, 9 × 2 = 18, 5 × 3 = 6 × 6 = 32, यानी गुना करने पर आया 2366। ये दो संख्याओं का गुणफल आ गया। अब हम लोग को बराबर दिखाना है किसके, एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो हम लोग एचसीएफ गुना एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ आप कितना आया हुआ है, 13, तो एचसीएफ में आपको लिखना है 13 गुना एलसीएम कितना आया, 182, तो यहाँ लिखना है 182, यानी 13 को 182 से हम लोग कर लेंगे गुना, 3 × 6 = 8, 24 का 4 हाथ में 2, 3 × 2 = 5, 2 × 8 = 6, 6 = 32, यानी गुना करके आया कितना, 2366। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल में भी कितना आया, गुणनफल में 2366, और एचसीएफ गुना एलसीएम भी कितना आया, 2366, यानी दोनों बन गया बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं, दो संख्याओं का गुणन फल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। आपको ये जांच करना था, हम लोगों का जांच कंप्लीट हो चुका है, दोनों इक्वल आ चुका है, क्लियर है यहाँ तक। तो बस इस टाइप से आपको सारा क्वेश्चन को बना जाना है। अब यहाँ का नंबर हम लोग चेंज करके आगे इसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दो नंबर का एक नंबर क्वेश्चन था, दो नंबर में टोटल आपके पास कितना क्वेश्चन है, शायद 3 क्वेश्चन है। तो हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 को सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 510 और 92 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 510 का फैक्टर करके यहाँ लिखेंगे कि आ क्या रहा, ठीक है। तो 510 का आपको गुणनखंड कर लेना है, ये 2 के पहाड़ा में हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 × 4 = 2, 5 = 10, 2 × 5 = 10, 256 बार में। इसके बाद ये 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 17 × 5 = 85, यानी इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 और इसके बाद 17, ठीक है। 92 का गुणनखंड आपको यहाँ लिखना है, तो हम लोग जब 92 का करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 से करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 6, 6 यानी 46 आएगा, फिर 2 से 23 × 2 = 46, यानी 2 × 2 = 23, ठीक है। ये हम लोग का हो गया गुणनखंड। अब हमको एचसीएफ निकालना, तो हम लोग को लिखना होगा इसीलिए
एचसीएफ, एचसीएफ किसका किसका निकालना है, 510 का और 92 का, तो ये लिख देना है। अब बताइए एचसीएफ होता क्या है, इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो कॉमन क्या मिल रहा, केवल ये 2 मिल रहा कॉमन, तो एचसीएफ 2 आएगा। लेकिन एलसीएम का अगर बात किया जाए तो एलसीएम क्या होता है, किसका किसका एलसीएम, 510 का और 92 का। तो एलसीएम जो होता है वो कॉमन जो आता है उसको तो लिखना पड़ता है, मतलब एचसीएफ वाला तो लिखना पड़ता है, बाकी जो बच गया वो सारा लिखना होगा, यानी 3, 2, 3, 2, 5, 17 और 23, ये सारा लिखना होगा आपको, गुना में लिखना होगा। यानी ये है, अब देखिए ये वाला 2 भी बचा हुआ था, ये 3 भी बचा हुआ है, उसके बाद ये 5 भी बचा हुआ है, ठीक है, और गुना में 5 के बाद क्या बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर गुना में 17, ठीक है। उसके बाद इधर ये पहले वाला था, 17 के बाद क्या बचा हुआ है, 23, ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अभी ये हो गया, अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, सबको गुना करना है। तो ये जो कॉमन आया उसको तो लिखना है, साथ में जितना बचा है सबको लिखना है। ये वाला 2 यहाँ बचा, ये वाला 3 बचा, ये वाला 5 बचा, ये 17, 23, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 25 = 60, 60, 17 और 23 को हम लोग मतलब सबको गुना करके आपको लिखना है। तो हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है, देखिए तो हम लोग गुना करते हैं, तो आएगा कितना, 7 × 6 = 42, 2 × 4 = 6, 4 = 10, इतना आया। और उसके बाद फिर आपको 23 को हम लोग गुना करेंगे, 102 है, 23 है, 3 × 6 = 0, 3 × 4 = 2, ठीक है, 6, 4, 3, तो यानी गुना करने पर आएगा 2, 3, 4, 6, 0, ये हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम का आंसर आ गया। यानी एचसीएफ कितना आया 2 और एलसीएम कितना आया 2, 3, 4, 6, 0, इतना है। क्लियर है यहां तक, तो इस तरह हम लोग सॉल्व करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ये कंप्लीट आंसर है, लेकिन जांच करना है तो जांच करना है, इधर आपको लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या क्या था, 510 × 92, इसको दोनों को हम लोग को क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो गुना करने पर आएगा कितना, तो हम लोग देखिए यहाँ लिखते गुना करने पर आएगा कितना, तो वो आने वाला है 0, 6 × 2 = 12 का तो हाथ में रहे, 1, 4 × 8 = 9, 6 और 4, गुना करके इतना आएगा। यानी आपको 510 को 92 से गुना करना है तो यह आएगा। अब इसके बाद हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम का गुना निकालना, तो एचसीएफ कितना आया 2, एलसीएम कितना निकला है 2, 3, 4, 6, 0, हम लोग गुना करते हैं इसको, ठीक है, तो गुना करने पर कितना आएगा 4, 6, 9, 2, 0। अब देखिए जांच जब हम लोग करेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल आया कितना, 4, 6, 9, 2, 0, और एचसीएफ गुना एलसीएम भी कितना आया 4, 6, 9, 2, 0, यानी इक्वल आ गया, बराबर आ गया। तो हम लोग का जांच क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग का यहाँ पर आपको लिख देना है, ये इधर वाला जांच है, तो यहाँ लिखना है अतः 2 संख्याओं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ गुना एलसीएम के। ये हम लोग का जांच कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम में जांच करने बोलेगा तो जांच करना है, नहीं तो फिर आंसर हम लोग को यहां तक करके छोड़ देना है, एचसीएफ एलसीएम का आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए तो 2 नंबर का हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, 336 और 54, यानी 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके बाद फिर हम लोग जांच भी करेंगे उसी प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो 336 का आपको करना क्या है, गुणनखंड, तो हम लोग फैक्टर कर लेते हैं साइड में। ये हो गया 2 से 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 से 84 बार में, 2 से 42, 2 से 21, फिर 3 से 7, यानी 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, 2 कितना बार है, 1, 2, 3, 4 बार। इसके बाद है 3 और 7, ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 54 का फैक्टर कर लेंगे, तो 2 आएगा, ठीक है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, और क्या आया, 3 × 3 = 9 और 1, 3 और आएगा, है ना, चलिए इतना तो आ गया। अब देखिए इसका फैक्टर करने के बाद हम लोग को निकालना है एचसीएफ, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ किसका, 3, 36, 54, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आता है, देखिए ये 2 कॉमन है दोनों में, है ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ 2 कहीं नहीं है, और इसके अलावा केवल 1, 3 कॉमन है, ये इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है इन दोनों में। तो यहां से 2 आया और यहां से 3 आया, यानी 6 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, 3, 3, 6 और 54 का। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आया उसको तो लिखना पड़ेगा, यानी इन दोनों 2 का मतलब 1, 2,
इन दोनों तीन के बदले में एक तीन, इतना तो लिखना होगा, बाकी जो बचा है सब लिखना है। यानी दो कितना बार बचा है, तीन बार, एक दो तीन, तीन कितना बार बचा है, दो बार, ठीक है। उसके बाद एक साथ बचा है, ये सारा लिखना होता है इसमें एलसीएम में। कॉमन के अलावा जो बचेगा वो सारा लिखना होता है, कॉमन वाला भी लिखना होता है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं, गुना करने पर आएगा कितना, 3024, ठीक है। सबको जब गुना करेंगे तो आएगा कितना, 3024। ये हो गया एचसीएल 6 और एलसीएम 3024, ये आंसर है। यहां तक तो आंसर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है, जांच करना है, तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ जांच। देखिए सेम प्रोसेस जैसे करके आ रहे हैं जांच, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, दो संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। जांच करने का यही तरीका है। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या है, जो दो संख्या दिया इसका करना है गुना, 336 गुना 54, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग को क्या कर देना है, गुना। तो देखिए गुना करके आएगा कितना, तो हम लोग गुना कर लेते हैं इन दोनों का। देखिए 336 है और 54, 6 चले 24 का 4 हाथ में 2, 4 3 12, 2 14 हाथ में 1, 4 3 12 और 13, 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 15 3 18 हाथ में 1, 5 6 15 16, 4 4 8 3 11 हाथ में 1, 6 7 1 8 और 1। यानी गुना करने पर आता है 18144, ठीक है। ये दो संख्याओं का गुणफल दिख रहा, ठीक है। ये दो संख्याओं का क्या आ गया, गुणफल आ गया। अब हम लोग को एचसीएम और एलसीएम का यहाँ निकाल लेते हैं गुना। तो लिखना है आपको एचसीएम गुना एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएम कितना निकाले हम लोग, 6 गुना एलसीएम कितना है, 30 24, ठीक है। अब 6 से इसको कर देना है गुना, तो गुना करेंगे तो 6 चले 24 का 4 हाथ में 2, 6 2 12 और 2 14 और 6 3 18। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जितना आया, एचसीएम और एलसीएम का गुणनफल भी उतना ही आया। यानी हम लोग का ये हो गया दोनों इक्वल। तो हम लोग को लिख देना है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, किसके बराबर आ गया, एचसीएम गुना एलसीएम के क्या गया, बराबर आ गया। क्लियर है यहां तक। चलिए तो इस तरह हम लोग को जांच करना होता है। अगर क्वेश्चन में जांच का बात ना किया जाए, अगर जांच करने नहीं बोले, तो आंसर केवल एचसीएम और एलसीएम निकाल के छोड़ देना है, ठीक है। अगर जांच बोलेगा तो हम लोग को यहाँ से जांच कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो ये एक दो नंबर का तीन क्वेश्चन था ना, वो दो नंबर का तीन क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद 4 5 जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल दो ही नंबर क्वेश्चन का तीन क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।